मुजफ्फरनगर पुलिस यहां एक लूट की सूचना के बाद पहुंची, क्योंकि यहां फाइनेंस कंपनी के दो स्टाफ के साथ करीब 1.25 लाख रुपए की लूट हुई है। वारदात को बाइक सवार बदमाशों ने उस वक्त अंजाम दिया जब कलेक्शन एजेंट पैसा लेकर जा रहे थे। जब बदमाशों का विरोध किया गया तो उन्होंने एजेंट्स को चाकू मारकर घायल कर दिया। बदमाश पीड़ितों से करीब 1.25 लाख रुपए और एटीएम कार्ड लूट कर ले गए। ये अभी दिन में 3 बजे के लगभग सूचना आई थी कि थाना चरथावल क्षेत्र में एक फाइनेंस का कर्मचारी और उसका साथी जो है वो बिरालसी से दूधली के बीच में अपना कलेक्शन करके आ रहे थे और पीछे से एक बाइक पे 2 या 3 लड़के आए। ये अभी इनसे पूछताछ में कंफर्म नहीं हुआ कि 2 लोग थे या 3 लोग थे, वो पीछे से आए, उन पर वार किया और उनका जो पैसे वाला जो बैग था वो छीन के ले गए। और अभी तक की जो प्रारंभिक पूछताछ है उसमें उन्होंने बताया कि लगभग 1,20,000 रुपये का अमाउंट था इनके बैग में जो ये छीन के ले गए हैं। इसके अलावा इनमें से जो एक व्यक्ति है उस पर इन्होंने चाकू से भी वार किया है। उसका जो प्रारंभिक जो इलाज के लिए हमने मुजफ्फरनगर हॉस्पिटल में उनको रेफर भी करवा दिया, उसका भी अब प्रारंभिक इलाज भी चल रहा है। इसके अलावा हमने 3 टीमों का गठन कर दिया है जो इस पूरी घटना को जल्दी ही आना हुआ। वहीं पुलिस को लूट की सूचना मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 घायल एजेंट्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर लूट का मामला दर्ज किया है और फरार बदमाशों की तलाश कर रही है। पुलिस दावा कर रही है कि इस लूटकांड को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा और बदमाश सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।